नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबर में स्वागत है आपका। अभिनेता रणदीप हुड्डा की सोशल मीडिया पर 9 वर्ष पुराने एक वीडियो के लिए आलोचना की गई है, जिसमें वह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया घराने द्वारा 2012 में आयोजित एक कार्यक्रम का यह 43 सेकेंड का वीडियो, जिसे ट्विटर पर एक व्यक्ति ने साझा किया है। इस वीडियो में हुड्डा ने एक चुटकुला सुनाया जिसे जातिवादी एवं कामुक बताया जा रहा है और वह दर्शकों के बीच अकेले हंस रहे हैं। 9 वर्ष बाद सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। राधे के अभिनेता ने एक शक्तिशाली महिला नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। वीडियो साझा करने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या इससे यह पता नहीं चलता कि यह समाज कितना जातिवादी एवं लैंगिकवादी है, खासकर एक दलित महिला के खिलाफ। नेता कविता कृष्णन ने भी वीडियो पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हुड्डा की टिप्पणी जातिवादी नारी विरोधी है। एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा कि वह इस क्लिप को देखकर हैरान है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।